हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग की बड़ी अपडेट के बारे में एंड डीन एम्ब्रोस की बड़ी अपडेट के बारे में भी। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि 5 अप्रैल को होने वाला है रेसलमेनिया 36, बट आपको ये पता ही होगा कि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने कहा है कि आज और कल दैट इज वेडनेसडे एंड थर्सडे को होने वाला है रेसलमेनिया 36 के मैचेस की शूटिंग। तो आप क्या रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का जो मैच है फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, वो क्या मेन इवेंट नहीं करेगा? और आखिर कौन सी बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग डीन एम्ब्रोस, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। पर उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, जो कल का रॉ हुआ है उसके रेटिंग्स काफ़ी गिर गए हैं। लास्ट वीक के रॉ को मिला था 2.335 मिलियन व्यूअर्स। दोस्तों, कल के रॉ को मिले हैं फर्स्ट आवर में 2.35 मिलियन व्यूअर्स, रॉ को सेकेंड आवर में मिले हैं 2.21 मिलियन व्यूअर्स, और दोस्तों थर्ड आवर में रॉ को बहुत कम रेटिंग मिले हैं और वो रेटिंग है 1.85 मिलियन व्यूअर्स, और ऐसे रॉ को एवरेज मिले हैं 2.13 मिलियन व्यूअर्स। ये रेटिंग्स काफ़ी डाउन हो गई है लास्ट वीक के कंपैरिजन में, क्योंकि लास्ट वीक मिले थे रॉ को 2.34 मिलियन व्यूअर्स। तो फिर WWE को अपना गेम अप करना होगा अगर अच्छे रेटिंग्स लाने हैं तो। हाँ, हमें पता है कि इस सिचुएशन की वजह से रेटिंग्स में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट इतने भी लो रेटिंग्स काफ़ी अच्छे नहीं है रॉ के लिए। सो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग वीक्स। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है डीन एम्ब्रोस से। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि डीन एम्ब्रोस एके जॉन मॉक्सली WWE के ग्रैंड स्लैम चैंपियन थे, और अब जब उन्होंने ज्वाइन कर ली है AEW, तो वो बन चुके हैं AEW वर्ल्ड चैंपियन। WWE उनका प्रेजेंस काफ़ी मिस कर रही है, एंड होपफुली एक ना एक दिन डीन एम्ब्रोस हमें दिख सकते हैं WWE में वापस जाते हुए, अगर उनका मन हुआ तो। बड़े काफ़ी वियर्ड सी चीज़ हुई है WWE में। AEW के एक सुपरस्टार है जिसका नाम है बिग स्वोल, उनकी शादी हुई है सेड्रिक अलेक्जेंडर के साथ। लास्ट नाइट के शो में सेड्रिक अलेक्जेंडर ने कम्पीट किया था, एंड इट सीम्स लाइक उसकी वाइफ भी उस टेपिंग में हिस्सा थी, और वहाँ पर उसकी वाइफ जो है बिग स्वोल, उसने देखा एक वियर्ड सी इमेज ऑन WWE ट्रक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रक पर डीन एम्ब्रोस का पिक्चर है। उसके बाद फिर बिग स्वोल ने वो फोटो खींचा और उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला, एंड देन ये क्वेश्चन पूछा कि हु दिस। सो इट सीम्स लाइक WWE वालों ने डीन एम्ब्रोस को अब तक निकाला नहीं है अपने ट्रक्स के ऊपर से। हु नोज, अंदर और भी चीज़ों में डीन एम्ब्रोस के पिक्चर हो सकते हैं, पर हम तो होप करते हैं कि ये एक पॉजिटिव साइन हो और बहुत जल्द डीन एम्ब्रोस के जॉन मॉक्सली हमें दिखे WWE रिंग में कम्पीट करते हुए। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग के मैच से। जैसे आपको पता है कि ये जो रेसलमेनिया होने वाला है वो होगा 2 नाइट्स का। इसका मतलब ये है कि 2 बड़े मैचेस कर सकते हैं दोनों नाइट्स में मेन इवेंट। हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर सैटरडे नाइट की मेन इवेंट, मतलब पहले रेसलमेनिया नाइट की मेन इवेंट, शायना बैजलर वर्सेस बेकी लिंच करे फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, क्योंकि WWE मैचेस के लाइनअप चेंज कर सकते हैं क्योंकि शो ऑलरेडी प्री टेप्ड है। मतलब जो र्यूमर्स चल रहे थे कि एक नाइट में मेन इवेंट करेंगे ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर की मैच, एंड दूसरे नाइट की मेन इवेंट होगी रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग की मैच, तो शायद इनमें से कोई एक मैच शायद नहीं होगा मेन इवेंट। और दोस्तों, रही बात नंबर 1 कंटेंडर फॉर WWE चैंपियनशिप ड्रू मैकइंटायर की, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है रिगार्डिंग रोमन रेंस। एलेक्स मैकार्टी के साथ ड्रू मैकइंटायर का रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि मेरी मैच, मतलब WWE चैंपियनशिप की मैच, रेसलमेनिया की नाइट मेन इवेंट करनी चाहिए, और जो पहली नाइट है उस नाइट को मेन इवेंट करना चाहिए एज एंड रैंडी ऑर्टन ने, ना कि रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग ने। तो दोस्तों, इस एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट के ऊपर रोमन रेंस ने एक तगड़ा रिप्लाई दिया है ड्रू मैकइंटायर को। रोमन ने ये कहा है कि मुझे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरा मैच मेन इवेंट होता है या फिर नहीं, मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं हेल्दी हूँ और फिट इनफ हूँ रेसलमेनिया में पार्टिसिपेट करने के लिए, और मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। मुझे रिंग शेयर करने मिलेगी एक बहुत बड़े लेजेंड और एक आइकन के साथ जो है गोल्डबर्ग, एंड दैट टू एट रेसलमेनिया। और सभी की तरह इस टाइम में आप सभी सेफ रहिए, हेल्दी रहिए एंड ग्रेटफुल रहिए। तो दोस्तों, ये काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स दिया है रोमन रेंस ने ड्रू मैकइंटायर को। रोमन रेंस ने एक तरह से ये कहा है कि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनकी मैच मेन इवेंट करे या ना करे, वो काफ़ी ग्रेटफुल है
कि वो हेल्दी है और फिट है रेसलमेनिया में कम्पीट करने के लिए, और वो भी गोल्डबर्ग जैसे लेजेंड के साथ फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। वेल तो हमें देखना होगा कि आखिर कौन से मैचेस करते हैं मेन इवेंट पहले दिन एंड दूसरे दिन ऑफ रेसलमेनिया। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपका क्या रिएक्शन है रॉ रेटिंग्स के ऊपर, एंड सेकेंड क्या आपको लगता है कि ड्रू मैकइंटायर ने बराबर बात की है, और आपको कैसा लगा रोमन रेंस का इस पर रिस्पॉन्स। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।